इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एस्टिया T10 के आज के मैच नंबर 2 के बारे में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैच रहने वाला है। मैच है आपका ACL और ACP टीम के बीच में, दो ऐसी टीम जो अभी तक टूर्नामेंट 7 फाइनल और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं की है। दोनों टीम अपना बेस्ट देना चाहेगी मैच में। मैच आपका दोपहर के 2:30 से स्टार्ट होगा, टॉस आपका 1:30 पे हो जाएगा। मैच के रिगार्डिंग आपको बेस्ट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किया है, आगे वीडियो में आप देखोगे। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बेसिक टीम बनाने के लिए, चाहे वो स्मॉल लीग का, और ग्रैंड लीग में 2-3 टीम भी आप बना रहे हो, वो भी मैंने बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, जिससे आप सिंपल वे में कम्बिनेशन बना सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, क्वेश्चन ना हो तो लास्ट जो फाइनल टीम है उसको भी आप सेव कर लीजिएगा, ठीक ना। कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा तो फाइनल टीम में एक बार फिर से आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप अपना कम्बिनेशन अपडेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आपको पहला कमेंट पिन किया हुआ मैंने दे दिया, वहाँ पर भी लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फाइनल टीम दो उसके साथ अपना कम्बिनेशन ले जा सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ACL और ACP के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे, ठीक ना। सबसे पहले दोस्तों कम्बिनेशन जानने से पहले ना एक बार दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देख ले कैसा गया अभी तक टूर्नामेंट में। तो ACL की टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में 6 मैच खेली है, जहाँ पे इस टीम ने टोटल आप देखोगे 4 मैच विन रहा है और 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किया है। इनका अभी तक टूर्नामेंट में 4 मैच और बाकी है। सेम दोस्तों ACP टीम का भी रहा है, इन्होंने भी टूर्नामेंट में 6 मैच खेले हैं, 4 मैच इस टीम का विन रहा है और 2 मैच दोस्तों इस टीम का लॉस रहा है, और इस टीम का भी देखोगे 4 मैच अभी टूर्नामेंट में बाकी है। दोनों टीम अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई है दोस्तों 7 फाइनल के लिए। दोनों टीमों को अभी मैचेज विन करने पड़ेंगे, कम से कम 4 में से 2 मैच ये दोनों टीम विन करती है तब जाके ये क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए और 7 फाइनल के लिए। तो दोनों टीम देखो अपना बेस्ट देगी, एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं लगता है आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि मैचेज अब ज़्यादा बाकी नहीं है। अब 3 दिन बाद दोस्तों आप देखोगे इस टूर्नामेंट का द एंड हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। जो बेस्ट प्लेयर होंगे वो खेलेंगे। चलिए आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं कम्बिनेशन पे। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आरिफ। अब देखो पहला एंड लास्ट ऑप्शन यही है इस मैच में विकेट कीपिंग सेक्शन से, और आपको किसी को लेना नहीं है, आप इनको सभी टीम में ले लो। सिलेक्शन भी देख रहे हो 99% है, 100% भी हो जाए तो आप सरप्राइज मत होना। फिर आप बैटिंग सेक्शन में आओगे, आयासिफ गर्दा फॉर्म में चल रहा है, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। कल के दिन इन्होंने जो मैचेस खेले हैं और उसमें जो रन किए हैं ना बहुत सॉलिड दिखे हैं। जिसान भी अच्छे फॉर्म में तो नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत शानदार फॉर्म में चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा फॉर्म तो इसका नहीं रहा है। और स्पेशली ध्यान रखना कि इसको कैप्टन बीसी तभी करना जब ये विकेट कीपिंग ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल मैंने आपको लाइव सेशन में बता दिया था एक मैच में कि ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं करेंगे, कैप्टन बीसी मत करना, बचा लिया था ना। आज भी यदि ये विकेट कीपिंग करते हुए पाए जाते हैं, जो मुझे पता चल ही जाता है प्लेइंग 11 जब आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। विकेट कीपिंग करे तो बस टीम में लेना, कैप्टन बीसी मत करना। विकेट कीपिंग ना करे तो एज ए बीसी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तब जाके ये आपको 2 ओवर का बॉलिंग भी कर लेते हैं। आर सिंह बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग बहुत अच्छा कर रहा है टूर्नामेंट में, हमेशा नोट आउट जा रहा है, आउट तो हो ही नहीं रहा है बंदे का। टूर्नामेंट में जो भी मैचेज में आप देखोगे स्पेशली लास्ट 3 मैच में 2 मैच में नोट आउट रहा है, ज़रूर टीम में होने चाहिए। सौकट यार बहुत ख़राब फॉर्म में चल रहा है, एस सिंह भी बहुत ख़राब फॉर्म में चल रहा है, के गोरिया भी ख़राब फॉर्म में चल रहा है, तो नीचे से अभी के लिए मैं किसी को नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना। बैटिंग सेक्शन से सिर्फ मैंने ACL के प्लेयर रखे हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, यहाँ पे एसाफिक जो इस ACP टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर प्लेयर है, आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएगा, इसके साथ 2 ओवर का आपको बॉलिंग करके देगा। कैप्टन बीसी भी आप ट्राई कर सकते हैं। एस सिंह इस टीम का सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, जिनका रिसेंट मैच थोड़ा सा ख़राब जा रहा है,
स्टार्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया था टूर्नामेंट का, फर्स्ट मैच स्पेशली, लेकिन उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे गया है। बट इस उम्मीद करते हैं अब ज़्यादा मैच बाकी नहीं है टूर्नामेंट में, बेस्ट परफॉर्मेंस करके दे। ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, हटा हम लोग नहीं सकते हैं। नीचे से इकबाल को रख लेंगे दोस्तों। इकबाल भी बहुत ख़राब फॉर्म में चल रहा है यार, कल के दिन मैंने इनको दो मैच में कैप्टन किया, दोनों मैच में भाई ने बोला कि मेरे को परफॉर्मेंस ही नहीं करना है, एकदम ख़राब परफॉर्मेंस रहा था कल के दिन, लेकिन ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ऐसा प्लेयर है जिस दिन चलेगा 100 से ऊपर फैंटेसी पॉइंट दे जाता है, नहीं चलता है तो नहीं चलता है, लेकिन चलता है तो 100 से ऊपर फैंटेसी पॉइंट दे जाता है, तो टीम में रख लो। आज कैप्टन बीसी नहीं करेंगे इनको, ग्रैंड लीग में कर सकते हो, कोई मना नहीं है दोस्तों। अब मान के चलो जो सभी लोग कर रहे हैं वही काम करना ज़रूरी है क्या, थोड़ा सा आप हटके भी जा सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग विन करना है तो रिक्स लेना छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे ग्रैंड लीग विन नहीं होता है। ग्रैंड लीग विन करना है तो रिक्स लेना पड़ेगा, इसके लिए हो सकता है 10 में से आप 9 मैच भी हार जाओ, लेकिन एक मैच भी विन करोगे तो आपका सब मैच का काम ख़त्म कर देगा ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जे दीवाना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉलर है और इस मैच में उम्मीद करते हैं थोड़ा बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग तो अच्छा रहा है टूर्नामेंट में, बैटिंग इनका थोड़ा ख़राब गया है। इस प्रसार रोटेशन में इसको यूज़ करना, इसको फिक्स मत करना, इनको आप रोटेशन में यूज़ करना। उसका रीज़न क्या है ना, अब देखो ये बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन ना माइनस में ज़्यादा पॉइंट दे रहे हैं, रन बहुत ज़्यादा खा जा रहे हैं, और बैटिंग से मेरे को इनको आज तक कभी भरोसा नहीं हुआ, इनका बैटिंग बहुत ज़्यादा अजीब है, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यूसुफ सेम, इनको भी आप रोटेशन में ही ट्राई करना। विकेट दोस्तों यूसुफ को उतना देखोगे मिल तो रहा नहीं है, मेनली दोस्तों आपको थोड़ा मोड़ा बैटिंग से रन कर लेते हैं लेकिन बैटिंग भी बहुत नीचे करने आते हैं, तो ये दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर को आप यहाँ से पिक कर सकते हो, एक को आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक ना। दोनों को लेना बहुत ज़्यादा रिक्सी हो जाएगा, ये काम आप जीएल में करोगे तो अच्छा लगेगा, एसएल में दोनों में से किसी एक को रखना। इब्राहिम यदि खेलता है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, ऐसे बॉलिंग तो किया है टूर्नामेंट में लेकिन उतना खास भी नहीं है मुझे। जेठखान ये सबको लेना नहीं है दोस्तों, ठीक ना। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ पे चीमा का ऑप्शन मिलेगा। देखो यार चीमा मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा करके जा सकता है, इसके साथ एडवांटेज क्या है ना, ये बॉलिंग भी करता है और बैटिंग से गलती से भी चांस मिल गया तो बैटिंग भी करके आपको देगा। नीचे से ए आसिफ टीम का सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर में से एक है, दो ओवर का कन्फर्म बॉलिंग करता है, ज़रूर आप लेके जा सकते हैं। ए तारिक अब देखो जीएल में ट्राई करना, मैं स्मॉलिंग में तारिक को इस मैच में नहीं ट्राई कर पाऊँगा, सामने बैटिंग बहुत अच्छा है इसलिए मैं बैलेंस कम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ। रिक्स लेना हो तो एक प्लेयर मुझे दिख रहा है जिस पे हम लोग रिक्स ले सकते हैं, जेन्युइन रिक्स लेने वाला प्लेयर है, नाम है जी सिंह। दो मैच खेला है, दोनों मैच में दो दो ओवर का बॉलिंग है, फर्स्ट मैच में तो दो विकेट भी लिया था और वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, DST की टीम जो इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और सिलेक्शन इनका मुझे नहीं लगता है ज़्यादा जाने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रॉम कार्ड इस मैच का। ओके भाई लोग ये आपका ट्रॉम कार्ड है। शेरवाड़ी पावर प्ले में बॉलिंग करता है, इस बार पावर प्ले में बैटिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, हो सकता है विकेट लेस इस मैच में जाए, आपको दिखने को मिल सकता है। लास्ट मैच में इनके बॉल पे ना दो दो कैच ड्रॉप हुआ था जो लास्ट मैच इनकी टीम खेली थी, यार कैच इतना ड्रॉप होता है ना इस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में अजीब चीज़ देखने को मिलता है, कैचेस ड्रॉप भी होते हैं और फील्डर एक दो ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं कि यार आप सोचते रह जाओगे लाइक वो सिंपल कैच नहीं होता है, और इतना ड्राइव मार के इतना अच्छा कैच ले रहा है, ये टूर्नामेंट में ये चीज़ देखने को मिला है। जीएल में रोटेशन में यूज़ करना, बीसिंग भी मुझे उतने खास नहीं लग रहे हैं, मेनली दोस्तों जो लास्ट प्लेयर का ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है जी सिंह, इधर से जी सिंह पिक कर लो, नहीं तो इधर से यूसुफ ले सकते हो, नहीं तो आप एस पास ले सकते हो, ये तीन ऑप्शन है आपके लिए। अब ये तीन में से ये दो सबसे सेफ ऑप्शन है, तो आप ये दोनों में से किसी एक को लेके जा सकते हो। रिक्स लेने वाले बंदे जी सिंह को आप लेके जा सकते हो, नहीं तो अभी जो मैंने कम्बिनेशन आपको ये ऊपर में 10 प्लेयर का दिया है, ये 10 में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है, तो फिर दोस्तों आप इधर से उठा लेना अपना ये दोनों में से किसी को, ठीक ना। चलिए कैप्टन बीसी भी देख लेते हैं, कैप्टन बीसी का यार ऑप्शन तो इस मैच में खूब है, मैं कैप्टन एच साफिक को कर रहा हूँ, बीसी
इसी के लिए आप किसको करोगे? देखो, एक तो आप ए अरिफ को कर सकते हो, बढ़िया मुझे बैट्समैन लगता है। आई आसिफ जो फॉर्म में चल रहा है, नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टन। चलो मैं इन्हीं को अभी बीसी करके चलता हूँ। आप एसिंग पे फोकस रखना यार, ये बंदा ऐसा है मुझे बहुत पसंद है, बस रिसेंट मैच पता नहीं इसका इतना ख़राब क्यों जा रहा है। स्टार्ट देखोगे बहुत बढ़िया किए थे टूर्नामेंट में, इधर का स्पेशली बीसीसी के अगेंस्ट तो 133 फैंटेसी पॉइंट दिए थे। थोड़ा सा इधर परफॉर्मेंस गंदा रहा इसलिए मैं बीसी नहीं किया हूँ, बट आप ध्यान रखना जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। कम्बिनेशन सेव कर लीजिए, बाइलेंस टीम मैंने बनाया है। कोई चेंज या कोई अपडेट करना भी होगा इस टीम में तो मैं खुद आपको फाइनल कम्बिनेशन टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, चेंज करना होगा तो, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल को जिन भाइयों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा, इसका लिंक आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप चेक करो, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट पिन क्या हुआ हो, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।